हाय एवरीवन, माय नेम इज शिवांश बसीन, वेलकम बैक टू द चैनल द इन्वेस्टोलॉजी। सो गाइस, कल मार्केट पे किस तरीके से हमें परफॉर्मेंस लेकर चलनी है, मार्केट का सिनेरियो क्या हो सकता है, किस तरीके से वर्क कर सकते हैं, सारी बातें करते हैं आज के वीडियो के अंदर। अब फ्राइडे के सेशन पे जब हम लोगों ने आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में बताया था कि लास्ट आर हमें से वॉच करना है और देखना है कि मार्केट किस तरीके से वर्क कर सकती है, जो एक बुलिश मूवमेंट आई थी, क्या वहां पर दोबारा पुट राइटर्स अनवाइंड हो सकते हैं और कॉल राइटर्स दोबारा एक्टिव हो सकते हैं, सेलिंग प्रेशर अगर लास्ट आर में आता है इस गैप अप के बाद जो हमें स्टार्टिंग में देखने को मिला था, दैट मीन्स कि वो शायद मंडे को भी कंटिन्यू रह सकता है या तो वो एक फॉल्स ब्रेकडाउन हो सकता है। क्या है वो सारी चीजें आज स्टडी करते हैं इस मार्केट, क्योंकि दो डिफरेंट कंसेप्ट हमें देखने को मिल रहे हैं। अगर हम लोग बात करें ओपन इंटरेस्ट के डाटा पे, हम लोगों को लग रहा है कि शायद मार्केट कहीं पॉज ले सकती है, और अगर हम एफआईआई का डाटा देखें तो भी हमें लग रहा है कि वहां पर उन्होंने एक बुलिश मूवमेंट बनाना स्टार्ट करी है, और डाटा अगर हम लोग टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करें तो वहां पर हमें थोड़ा सा सेलिंग साइड का लग रहा है। सो कैसे अप्रोच करके चलनी है, सारी बातें इस वीडियो के अंदर करते हैं। तो चलते हैं अपने ट्रेडिंग सेटअप की तरफ और देखते हैं कि कैसे मार्केट पे हम लोग ट्रेड ले सकते हैं और कौन से स्टॉक्स प्रॉफिट दे सकते हैं। चलते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर आ चुके हैं, हम लोगों ने निफ्टी का चार्ट ओपन करा हुआ है एंड निफ्टी के चार्ट पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि एक बहुत अच्छा गैप अप हमें देखने को मिला था। एग्जैक्टली ये रेजिस्टेंस था जहां से एक छोटा सा सेलिंग प्रेशर आया, बट एग्जैक्टली इस लेवल पे कॉल राइट पुट राइटर्स दोबारा एक्टिव हुए, यहाँ पर बायर्स दोबारा एक्टिव हुए और वहां पर एक अच्छा ब्रेकआउट दिया। जैसे ब्रेकआउट दिया, एक कैंडल ने ऊपर क्लोज करी, नेक्स्ट कैंडल सस्टेन नहीं कर पाई, आफ्टर दैट अ फ्री फॉल हमें देखने को। अब जनरली अगर मैं कहूँ तो SBI के रिजल्ट आए थे जो अनएक्सपेक्टेड थे, मतलब जो माना जा रहा था उससे ज़्यादा बेटर नहीं आए थे, तो उसकी वजह से भी एक हम लोगों ने फॉल देखा है। SBI भी बहुत ज़्यादा गिर गई, उसके चक्कर में बैंक निफ्टी भी नेगेटिव आ गई थी और करते करते सारी चीज़ें भी फॉल करी हैं। तो अब कैसे रिएक्ट करना है, कल का दिन जो फॉल का था वो तो शायद बैंक से रिलेटेड था, वो न्यूज़ रिलेटेड था, वो एक स्टॉक का जो रिजल्ट आया था उससे रिलेटेड था। अगर मैं उसको हटा दूं तो फ्रॉम माय साइड मेरे को यहाँ पर लगता है कि शायद अभी भी बाइंग पोजीशन एक्टिवेट हो सकती है। ठीक है, अगर हम लोग न्यूज़ फैक्टर को हटा देंगे तो यहाँ पर बाइंग पोजीशन दोबारा एक्टिवेट हो सकती है। कैसे हो सकती है, सबसे पहले अगर आप यहाँ पर स्टडी करोगे तो ये एग्जैक्टली इस लेवल पर यहाँ पर इसने पॉज लिया, यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट कर रहा था। अगर हम इसको इग्नोर भी कर दें, इसका कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो लेट्स मूव ऑन अ वन आवर टाइम फ्रेम। तो ऑन अ वन आवर टाइम फ्रेम आप देख सकते हैं कि एक बहुत अच्छे तरीके से यहाँ से पॉज लिया था एंड अच्छे गैप अप्स के साथ ही कंटिन्यूस बेसिस पे ऊपर गया। अब ये नीचे आ रहा है तो डेफिनेटली ये यहाँ पर एक बार हॉल्ट कर सकता है और यहाँ से पॉज लेके ऊपर जा सकता है। दैट मीन्स कि अगर मैं दोबारा 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम ओपन करता हूँ आप लोगों के लिए, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि ये इस लेवल को भी ब्रेक करके शायद नीचे की तरफ जाए, लोगों को लगी यहाँ अब और सेलिंग प्रेशर आ सकता है और इस जोन के अंदर एक ब्रेकआउट नहीं, ब्रेकडाउन नहीं होगा, यहाँ पर एक ट्रैप होगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से एक फॉल आई, एग्जैक्टली इस लेवल तक आया और यहीं से ब्रेकआउट दिया और ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर गया। सो फ्रॉम माय साइड हमें शॉर्ट के लिए बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लेना है और लॉन्ग के लिए ट्रेड हम ले सकते हैं जब हमारा ये मेजर लेवल ब्रेक होगा। जैसे ये मेजर लेवल ब्रेक होगा 15,830 का, हम लोग वहाँ पर एक बाइंग एंट्री ले सकते हैं। एक बार इसका चलिए ओपन इंटरेस्ट का डाटा स्टडी करते हैं। हम देख रहे हैं कि एग्जैक्टली 15,800, 15,850 एंड 15,700 पे कुछ पोजीशंस कैरी है ही नहीं। आप यहाँ पर देख सकते हैं 15,700 पे कुछ पुट राइटर्स एक्टिव हैं, 15,815 पे कुछ कॉल राइटर्स एक्टिव हैं। ऊपर लेवल की अगर हम बात करें तो 15,900 पे पुट राइटर्स भी अनवाइंड कर चुके हैं, कॉल राइटर्स भी अनवाइंड कर चुके हैं। ठीक है, हैवी पोजीशन सिर्फ 16,100 पे एक्टिवेट है, जो कि बहुत फार है, हमें उसकी तरफ अभी जाना नहीं है। ठीक है, 16,100 की तरफ। तो फ्रॉम माय साइड इस पर कोई डाटा ऐसा शो नहीं कर रहा ओपन इंटरेस्ट पे कि हम कह सके कि कुछ बियरिश सेंटिमेंट भी है और कुछ बुलिश सेंटिमेंट भी है। ये बिल्कुल साइडवेज ट्रेंड की तरफ से मार्केट चल रही है। ठीक है, अब एक बार चेक करते हैं बैंक निफ्टी को कि बैंक निफ्टी क्या बता रहा है। सो बैंक निफ्टी ने कुछ मेजर लेवल्स ब्रेक करे थे डेफिनेटली। कल हम लोगों ने बात करी थी, सॉरी फ्राइडे को बात करी थी जब टेलीग्राम पे, कि ये एक लेवल है, अगर ये लेवल ब्रेक होता है देन दिस शुड बी द टारगेट और इस रेंज के अंदर हमें कोई ट्रेड नहीं करना। अगर ये रेंज का लेवल ब्रेक होता है तो हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं। हम इस समय 15,800 के पुट राइटर्स भी अनवाइंड कर रहे थे, सॉरी 900 के अनवाइंड कर रहे थे। इसके अलावा यहाँ पर 33,500 के भी पुट राइटर्स, 33,400 के भी पुट राइटर्स अनवाइंड कर रहे थे, बट लास्ट आर में हम लोगों को एक डाइवर्जेंस दोबारा देखने को मिला एग्जैक्टली 33,000 का। तो वहां पर आई थिंक एक पोजीशन होल्ड मिल सकती है। ठीक है, सो फ्रॉम माय साइड जब तक ये इस लेवल के नीचे है
हम लोग शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं। जैसे ही इस लेवल के ऊपर आता है न्यू ट्रेडिंग जोन पे, तब हम अपनी कोई पोजीशंस बनाना एंटर करेंगे अगर हमें एक स्ट्रॉन्ग हॉल्ट दिखता है तो। अब सिनेरियो क्या है, एक बार हम लोग बैंक निफ्टी का भी ओपन इंटरेस्ट डाटा स्टडी कर लेते हैं एंड एफआईआई का डाटा, फिर एक सिनेरियो बनाते हैं ठीक है कि कैसे हमें रिएक्ट करना है मार्केट पे। सो 33,000 पे कॉल और पुट राइटर्स सिमिलर है, ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है, तो ये कभी भी ब्रेक हो सकता है अकॉर्डिंग टू द डाटा जो यहाँ पर क्लियरली दिखा रहा है ठीक है। अगर हम बात करें तो हर हायर लेवल पे हम लोगों को हैवी कॉल राइटर्स एक्टिव होते हुए दिख रहे हैं और 32,500 पे हमें पुट राइटर्स एक्टिव होते हुए दिख रहे हैं। सो दैट मीन्स कि अगर 32,950 ब्रेक होता है तो डेफिनेटली एक लोअर लेवल आने को मिल सकता है ठीक है। एक बार चलते हैं एफआईआई का डाटा पे। सो एफआईआई के डाटा में अगर हम लोग चले तो एफआईआई के डाटा में 13 मई को उन्होंने ऑलमोस्ट अराउंड 3,000 करोड़ की फ्यूचर में लॉन्ग पोजिशन इनिशिएट करी है। पुट उन्होंने शॉर्ट करा है 20,000 एंड उन्होंने कॉल लॉन्ग करा है 5,000। तो दैट मीन्स कि अगर उनके सेंटिमेंट के हिसाब से चलें तो वो अभी भी बुलिश है, मतलब ऑप्शंस के डाटा पे मार्केट पे वो एक बुलिश सेंटिमेंट लेकर आया। तो फ्रॉम माय साइड ये अगर बुलिश है तो मोस्ट प्रोबेबली क्या सिनेरियो बैठेगा, कल गैप डाउन आएगा, दो सिनेरियो बैठ सकते हैं। अगर कल गैप डाउन आता है रिकवरी आती है तो उस रिकवरी में हमें पार्टिसिपेट करना, क्यों, क्योंकि वो जो गैप डाउन होगा वहां पे और पोजीशंस ये लोग इनिशिएट करने की कोशिश करेंगे। जनरली जब भी देखा गया है कि वो लोग हैवी लॉन्ग होते हैं फ्यूचर्स पे और उन्होंने कॉल और ऑप्शंस पे भी शॉर्ट पोजीशन नहीं बनाई होती है, वहां पर भी वो लोग लॉन्ग होते हैं, तो जनरली ना एक सडन फॉल आता है और उस फॉल में वो लोग ट्रैप होते हैं जो हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं एंड वहां से वो बाउंस लेना स्टार्ट होता है। तो रिमेंबर दैट, कल जो भी फॉल आएगा उस पर पार्टिसिपेट मत करना, वो शायद शुरुआत के 15 से 20 मिनट का ही फॉल होगा और वहां से जैसी रिकवरी आती है उस रिकवरी में हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर कल एक ह्यूज गैप अप आता है तो ह्यूज गैप अप पे भी पार्टिसिपेट नहीं करना, हमें देखना है कि शायद मार्केट अगर साइडवेज या स्लाइटली अप ट्रेंड खुलती है तो हम बाय बना सकते हैं। अगर ये गैप डाउन खुलती है और रिवर्सल दे रही है या एक हमें दिख रहा है कि अब बाइंग पोजिशन इनिशिएट हो रही है तो हम वहां पर एंटर करेंगे, अदरवाइज नहीं करना है ठीक है। सो दैट्स इट। एक बार आप बात कर लेते हैं कुछ स्टॉक्स की, तो मैंने 3 स्टॉक्स आप लोगों के लिए सिलेक्ट करे हुए हैं। सबसे पहला है अंबर, अंबर एंटरप्राइजेस की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो मैंने 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम ओपन करा हुआ है, एक बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन थी। इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट अभी दिया नहीं है बट अपने लोअर लेवल से ये इसने एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है 3,400 रुपीज का, अभी करंट प्राइस है 3,380 रुपीज का, तो अगर ये 3,400 का लेवल ब्रेक करता है तो डेफिनेटली एक बड़ी मूवमेंट ये दिखा सकता है। आप देख सकते हैं कि अभी कुछ लेवल्स पे ही यहाँ पर पोजीशंस बनना स्टार्ट हुई हैं, वॉल्यूम्स आर स्टार्टेड टू राइज। आई थिंक ये ब्रेकआउट अगर होता है तो अच्छे लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। वॉच अंबर, ये कल मैं टेलीग्राम पे भी बताऊंगा अगर ये ब्रेकआउट देता है ठीक है, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो सेकेंड स्टॉक है दैट इज टाटा एलेक्सी। लेट मी ओपन अ डेली टाइम फ्रेम फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर यू ऑल। सो टाटा एलेक्सी पे अगर आप देखेंगे एक बहुत अच्छा सपोर्ट है एंड इस पर्टिकुलर सपोर्ट से बाउंस करा है, कल ऑलमोस्ट फ्राइडे को 13-14% का रिटर्न दिया है, अपमूव दिया है एंड इस लेवल से बाउंस करा, एग्जैक्टली इस लेवल पे आया एंड एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया। सो लेट मी ओपन अ 1 आवर टाइम फ्रेम फॉर यू। अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे आते हैं तो अकॉर्डिंग टू द मार्केट प्रोफाइल इंडिकेटर वो हमें बेसिकली यही शो कर रहा है कि अभी जिस लेवल पे है उस लेवल पे एक हेवी रेजिस्टेंस है एट दिस रेंज। ये जो रेंज देख रहे हैं इस रेंज पे अभी एक हेवी रेजिस्टेंस है। सो क्या कर सकते हैं, देखिए स्टॉक ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है चैनल का और एक बड़ी मूवमेंट दी है, तो दो सिनेरियो बन सकते हैं टाटा एलेक्सी पे। एक तो या तो एक कल कंटिन्यूस मूवमेंट दोबारा करते रहे, या तो एक बार कल शुरुआत पे ही ऊपर खुलेगा बट वहां से एक सेलिंग आ जाएगी और सेलिंग के बाद नीचे लोअर लेवल्स पे जब बाइंग आए हमें तब एंटर करनी है ठीक है। तो देखिए ये जो जोन है ये जोन एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होल्ड करता है, तो अगर ये इस लेवल पे आता है इस जोन के अपर रेजिस्टेंस पर और यहाँ पर हमें कोई सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है देन हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं बट फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम ठीक है, कि हमने थोड़े से पॉइंट्स मिले हम कैप्चर करके निकल गए, क्योंकि द ट्रेंड अभी भी बुलिश भी नहीं है ना बियरिश है ठीक है, ट्रेंड अभी साइडवेज है बिकॉज वो इस रेंज के अंदर है। अगर वो कल दोबारा नीचे ही जाना स्टार्ट करता है तो कौन से बढ़िया लेवल है, फॉर दैट वील यूज फिबोनाची, दिस इज द बॉटम दिस इज द टॉप। अगर ये इन बिटवीन यहां पर कहीं हम लोगों को देखने को मिलता है तो वील ट्राई टू एंटर अगर इस लेवल पे आता है, अदरवाइज 50% हमारा होगा। तो डोंट वरी, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि ये स्टॉक्स की एनालिसिस है बट अगर इन पे कोई भी ट्रेड्स मिलता है तो आई विल रिकमेंड यू ऑन माई टेलीग्राम चैनल, आप वहां पर जरूर ज्वाइन करिएगा ठीक है। लास्ट स्टॉक इज जो हम लोग ने लास्ट भी आपको दिया था JTL इंफ्रा एंड ये स्टॉक इस बार से इस लेवल से तो बहुत अच्छा मूव करा था, अभी इसने अच्छा ब्रेकआउट दिया है, हमें टॉप प्रॉफिट अच्छा दिया था फ्राइडे को इसने,
तो हम अभी भी होल्ड कर सकते हैं। एक छोटा सा बस हर्डल है, अगर वो हर्डल ब्रेकआउट में बदल जाता है, लेट मी जस्ट शो यू। अब ये देख सकते हैं, ये एक जो इसका प्रीवियस हाई है, ये सॉरी इस कैंडल का जो हाई है, ये लेवल अगर ब्रेक हो जाए ना तो हम लोगों को अच्छे टारगेट्स मिल सकते हैं। अभी जो प्राइस चल रहा है 225.65 चल रहा है, जैसे 228 के ऊपर जाएगा ना तो तब हम एक बड़ी मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो रिमाइंड करना 228 के ऊपर ही इसको बाय करना, ठीक है। सो ये थे हमारे 3 स्टॉक्स मार्केट के एनालिसिस। मार्केट पे एक बात याद रखिएगा, ओपन इंटरेस्ट का डाटा यहाँ कुछ भी दिखाए, जब मार्केट 9:15 पे ओपन होती है तो वो डाटा पूरा बदल चुका होता है, तो हमें उसके बेसिस पर रिएक्ट करना पड़ता है। हम यहाँ पर सिर्फ एक प्रोजेक्शन बना के चल रहे हैं कि ये डाटा है, ये हमारे पास सारी चीज़ें हैं, तो हम उस एविडेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्लानिंग कर रहे हैं। बट मार्केट ओपन होते ही हमारा पर्सपेक्टिव अगर चेंज हो रहा है तो इट्स वेल एंड गुड, ठीक है, हमें उसके अकॉर्डिंग वर्क करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझनी पड़ेगी। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है फॉर आर कोर्स, तो हमारा ऑलरेडी कोर्स भी एक लॉन्च चुका है जो 1st of June से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा, वेबसाइट पर जाके आप चेक भी कर सकते हैं। हैव अ गुड डे, बाय बाय।